और वोट कर दे। बस डन डन डन। लो जी भाई लोग, टैंकी हमने करवा ली है फुल। पियो पियो शाबा शाबा, ओ बल्ले बल्ले शाबा शाबा, पियो पियो। आज बनाना कुछ और था, बन कुछ और गया। ऑयल डलवाने गया तो मुझे पता लगा कि मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है, नहीं तो इस बार सारा गड़बड़ सा हो गया सिस्टम। चलो फिर भी हमने माइलेज निकाली है, चलिए देखिए चेक करते हैं। जब हमने यहाँ पे मेरा आईफोन भी गिर गया भाई। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल इंडिया, कैसे हो भाई लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ब्लॉग बनाने का कि हमने जेएसडी रोस्टर चला रहे हैं तो हमने इसकी माइलेज चेक करनी है कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में कितना चलता है। ये है हमारी पठानकोट की मार्केट, यहाँ से हर एक स्टेट का बंदा आता है। 3 स्टेट पड़ती हैं, पंजाब, हिमाचल एंड J&K। J&K से भी लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आते हैं, हिमाचल से भी यहाँ लोग शॉपिंग करने आते हैं और पठानकोट के आसपास के जो गांव हैं वहाँ से तो आते ही हैं। अभी मैं किसी काम से मैं जा रहा हूँ कठुआ की ओर, J&K की ओर, तो मैंने सोचा चलो आज इसकी एवरेज भी निकाल देते हैं। ये रास्ता कठुआ की ओर जाता हुआ J&K, जो कि कठुआ J&K में पड़ता है। काफ़ी लोगों ने कहा है कि सुना है मैंने कि ये बाइक तेल बहुत ज़्यादा खाती है। मैंने भी थोड़ा महसूस किया कि तेल तो वाकई में ज़्यादा खाती है, तो आज मैंने सुबह मॉर्निंग में मैं सोचा कि चलो क्यों ना आज माइलेज चेक की जाए बाइक की। अभी फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई है इसकी, जैसे कोई पेट्रोल पंप आता है टैंकी फुल करवाती है तो फिर बताते हैं आपको कितनी माइलेज है। सर्विस करवाने से पहले की माइलेज भी बताएंगे आपको और फर्स्ट सर्विस करवाने के बाद भी एक वीडियो बनाएंगे हम आपको, आपके लिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए, प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़। आज किसी काम से जा रहा हूँ कठुआ, जो कि J&K में पड़ता है। ये पंजाब है, ये पठानकोट, ये पठानकोट से हम J&K जाते हुए, ये J&K को लिंक करता है ये रोड। ये आ गया हमारा डिफेंस रोड और ये है हमारा पठानकोट का रोड, बल्कि ये भी हमारा पठानकोट का ही रोड है, बस इसको डिफेंस रोड कह देते हैं। वो है हमारी कोका कोला की फैक्ट्री। यहाँ पे काफ़ी फैक्ट्रियाँ लगाई हुई है, पठानकोट से बाहर का एरिया पड़ जाता है ये सारा। लगता है पेट्रोल पंप आ गया है एक, चलिए फुल करवाते हैं टैंकी, तो देखते हैं कितना होता है। फुल कर दो भी, फुल कर दो भी।
पूरा ऊपर तक भर देंगे। और कर दे बस डन डन डन। आप सुविधा ठीक है? ठीक ठीक डन। ये मैंने टैंकी भर दी है पूरी। लो जी भाई लोग, टैंकी हमने करवा ली है फुल। अभी हम माइलेज चेक करेंगे कितनी है माइलेज इसकी। थोड़ी देर चलाते हैं, फिर हम दोबारा पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाएंगे, फिर देखेंगे कितनी है। इसका ऑडियो ट्रिप कर दें हम, ट्रिप ए कर दिया हमने, तो देखते हैं चलाकर कितनी माइलेज। चलो फिर चलते हैं, माइलेज चेक करते हैं, थोड़ी देर चलाते हैं। ये रोड हमारा जाता है माधोपुर की ओर, माधोपुर से फिर हम जाएंगे कठुआ। कठुआ में थोड़ा सा काम है, तो रास्ते में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या आता है, जो जो आता है वो आपको दिखाएंगे। ये है हमारा घोड़ा, ये है हमारा घोड़ा, वो नहीं। रोड देखो कितना अच्छा है यार, दिल करता उड़ा दूं, बट कोई पता नहीं यार लोगों का किस टाइम पे कहाँ से कौन टपक पड़े, और उसके बाद फिर गड़बड़ी हो जाती है। ये देखिए भाई लोग, कितने हजार सालों से बंदे यहीं पे। ओ मिन्नू, ओ रिंकू, ओ टिंकू, ओ चलो चलिए यार, घूम घूम के आइए यार, चलो चलिए। ओ कद्दा अंकल जी, लो ये है चर्च। किसी बड़ा दिल करता यार यहाँ पे जाने के लिए, बट देखते हैं, किसी दिन मौका मिला तो जरूर अंदर जाऊंगा। और टिंकू की हाल है? जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। फनी हो गया यार, वाओ। देखिए हमारा पठानकोट कितना सुंदर है यार। रात को यहाँ पे इवनिंग वॉक के लिए बंदा आ सकता है, सुकून भरी जिंदगी, गप्पे शप्पे मारे, बंदा अपने दुख सुख शेयर करे अपने पार्टनर से, अपने दोस्त से, या किसी से भी। पानी चेक करो भाई, ये आ गए हम जीटी रोड पर। ये जो एरिया पड़ता है माधोपुर, ये माधोपुर है पंजाब का लास्ट विलेज। देखिए पीछे पंजाब रह गया, सामने जे एंड के है। ये जो पुल है ना, ये वाला जो पुल है ना, ये पंजाब एंड जे एंड के को कनेक्ट करता है। अगर ये पुल ना हो तो उस साइड हमें किश्ती से जाना पड़ेगा। सामने पहाड़ चेक कीजिए, काफ़ी अच्छा व्यू। आई होप कि आप सब लोग इंजॉय कर रहे हों। ये आ गए जी हम कठुआ में, एंटर हो गए जे एंड के।
देखिए जे एंड के कठुआ जे जे एंड के में पड़ता है भाई, जे एंड के पुलिस। ये आ गया कठुआ का पहला टोल। लो जी भाई लोग, कठुआ रह गया सिर्फ 7 किलोमीटर, जम्मू 90 किलोमीटर, कटरा 138 किलोमीटर, श्रीनगर 380 किलोमीटर, उधमपुर 145 किलोमीटर। ये हम एंटर हो गए हैं कठुआ में। जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ। गॉड इज वन है ना, कितने गॉड हैं, गॉड तो एक ही है। रास्ते बेशक अलग अलग होंगे, मंजिल तो एक ही है भाई। क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या ईसाई, सब भाई भाई, सबका मालिक। हे जोर से बोलो जय माता दी, जय माता दी। मैं नहीं सुनिया, जय माता दी। बंदा कहता पिछों कन्ना वाली मशीन लगा रहा जो नहीं सुनिया था। देखिए थोड़ा सा डिस्टेंस है पठानकोट और कठुआ में, मेरे हिसाब से 27-28 किलोमीटर का होगा। तो यहाँ की लैंग्वेज और वहाँ की लैंग्वेज में बहुत फ़र्क है। यहाँ पे हम बोलते हैं डोगरी पहाड़ी भाषा, और वहाँ पे हम बोलते हैं पंजाबी, पंजाबी माँ बोली। ये आ गया जी शहीदी चौक। चलो ठीक है फिर, ओके ब्रदर, चलो ठीक है डन। लो जी भाई, जिस काम के लिए आया था वो काम तो हो गया ख़त्म। अब अपन फ्री हैं भाई, तो अभी कठुआ में आए हैं हम। तो आपको मार्केट दिखाते हैं। अगर आप जे एंड के में आ रहे हो और आपने यहाँ पे आकर कचौरियाँ नहीं खाई तो समझ लो आपका आना अधूरा है। कचौरियाँ हो गई, एक कलाड़ी कुलचा हो गया इनका। अगर कभी खाया है तो कमेंट में प्लीज़ बताना कि कैसा लगा आपको कलाड़ी कुलचा जहाँ जे एंड के का। बड़ा रश होता है यहाँ पे, लोग बड़े अजीब से देख रहे हैं भाई। जहाँ पे आपको हर तरीके का सामान मिल जाएगा, खाने के लिए भी मिल जाएगा। अल्ले अल्ले अल्ले। जय हो, जय हो। लोग शॉपिंग करते हुए, मेरे हिसाब से शादियों का फंक्शन स्टार्ट हो गया है तो भी लोग इतने शॉपिंग कर रहे हैं। छोटी छोटी सी गलियां, वो गली बेच बैठा तेरे यार। ये थी हमारी कठुआ की छोटी सी प्यारी सी मार्केट।
लो जी भाई, कचौरियाँ भी ले ली हैं मैंने और अपना काम भी निपटा लिया है। अभी हम चलते हैं पेट्रोल पंप की ओर और देखते हैं भाई क्या माइलेज दे रही है। लो जी भाई आ गया पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाते हैं। माधवपुर जाना? हाँ हाँ कोई गल नहीं, दो मिनट अगे खड़े हो, मैं तेल पवा, मैं तेल पवा लवा। हाँ जी यहाँ पर सारा गड़बड़ हो गया भाई लोग, यहाँ पे मुझे पता लगेगा कि मेरा फ़ोन एक मिस हो गया है, तो हड़बड़ से मैंने यहाँ पे वीडियो अच्छे से नहीं बना पाया, इस बात के लिए सॉरी। ये जो आईफोन में भी वीडियो बना रहा हूँ भाई, इसकी भी बाद में पता लगा कि रिकॉर्डिंग हुई ही नहीं। यहाँ पे मुझे पूरी तरह से पता लग गया था कि फोन अब गुम हो गया है, तो यहाँ पे मेरी पूरी तरह से फट गई थी। हेलो भैया, यार मेरा फोन यहाँ पे गिर गया था, आपके पास है? कहाँ पर हो आप? बंदे का फोन उठाया बंदे ने, फिर दोबारा कह रहा है पीछे आ जाइए, पीछे स्टैचू लगा है फौजी का, उसके पास बुलाया है मेरे को। हंसी की बात बताऊं, यहाँ पे मेरा दूसरा फोन भी गिर जाएगा। दूसरा फोन भी गिर गया। थैंक यू सर, थैंक यू। आज पहली बार हुआ दो दो मोबाइल, पहले मेरा दूसरा पहला मोबाइल गया, अभी दूसरा जा रहा था। ये अपने भाई, इनकी वजह से मुझे फोन मिला। आज मैं फोटो खींच लिया था, मैं नहीं बंदा फोन करके, मैं इतना न्यूज़ वाले दे देना, हुन कर देना। अच्छा थैंक यू सर, थैंक यू यार, बहुत घट लोग होंगे यार। थैंक यू सर, थैंक यू। ये है भाई लोग अपने, इनकी वजह से आज मुझे दोनों फोन मिल गए, एक पहले उनकी वजह से तो एक आज, सॉरी ये दो भाई लोग थे जिन्होंने मोबाइल लिया। थैंक यू सर। भाई अभी मत गिरा देना, बार बार ऐसे फरिश्ते नहीं मिलते। एक फोन, चलो पहले अभी चाय पानी पी लेते हैं, चाय पानी पीते हैं भाई। थैंक यू सो मच भाई,
दो दो भाइयों को अपने सलूट है मेरा, क्योंकि मेरा नुकसान होने से बच गया यार। पहले मेरा एंड्रॉयड फ़ोन गिर गया था, सेकंड मेरा एप्पल का भी फ़ोन गिर गया था। दो दो फोन गिर गए थे, दो दो बड़े नुकसान भारी है भाई। अभी मैं जा रहा हूँ फिर दोबारा वहीं पे, तो घर जाके मैं आपको बताऊँगा, घर जाके टोटली आपको कितनी एवरेज है। वैसे तो पैसे ज़्यादा नहीं लगे, 100 रुपया ही कम हुआ तेल का, तो उस टाइम मेरा दिमाग नहीं काम किया। फिर बाद में थोड़ी देर बाद जैसे ही मैं वहाँ से रोड क्रॉस किया, फिर मुझे याद आया यार मेहनत बेकार जाएगी, तो एक बारी इसकी वीडियो बना लो थोड़ी सी ऑडियोमीटर की। तो उसी टाइम मैंने वीडियो बना ली, तो घर जाके बताऊँगा मैं आपको कि भाई 90 रुपये में कितने किलोमीटर चला मेरे। अब आप ही गए हैं तो आपको इधर की भी मार्केट में थोड़ी दिखा देता हूँ। नीचे से चलेंगे, ओ उधर से घूमकर वापस। सारी मार्केट 24 घंटे खुली होती है दोस्तों। भाई पर्स भी चेक कर लूँ, पर्स तो नहीं गिर गया? नहीं, ठीक है भाई पर्स है। इसको तो भाई फ़ोन करके भी नहीं पूछ सकते कहाँ पे गिर गया अभी तुम। हाँ भाई फ़ोन को तो फ़ोन करके पूछ सकते हैं भाई कहाँ पे गिर गया तू, इसको कहाँ से फ़ोन करके पूछेंगे भाई कहाँ पे गिर गया। आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स, आज बनाना कुछ और था, बन कुछ और गया। बहुत सी वीडियो मिसिंग हुई है, बहुत से पार्ट मैंने मिसिंग कर दिए, क्योंकि सेकंड टाइम जब मैं ऑयल डलवाने गया तो मुझे पता लगा कि मेरे पास दूसरा फ़ोन नहीं है, जो कि अभी मेरे पास है, ये उस टाइम गुम हो गया था, तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये मिलेगा दोबारा। तो उसके बाद मैंने इसी मोबाइल से वीडियो बनाई, बट बाद में पता चला कि वीडियो तो बनी नहीं, पैसे देते टाइम की बनी है, वो भी इसमें बनी है, वो भी कैमरा ऑन था तभी करके बनी थोड़ी सी, तो इसमें मैंने बनाने की कोशिश की बट बनी नहीं, तो इस बार सारा गड़बड़ सा हो गया सिस्टम। चलो फिर भी हमने माइलेज निकाली है, चलिए देखिए चेक करते हैं। जब हमने स्टार्टिंग में तेल डलवाया था, तो इतने किलोमीटर हमारी बाइक चली हुई थी, ठीक है। बाद में हमने जब 100 रुपये का तेल डलवाया तो इतने किलोमीटर चली हुई थी, ठीक है। इतने किलोमीटर चलने के बाद देखिए 2.6 माइनस 2.7 14 किलोमीटर, मतलब 1 लीटर में हमारी बाइक 1 लीटर में 14 किलोमीटर चली है, मतलब 14 की माइलेज निकाली है। ओ बल्ले बल्ले शावा शावा पियो पियो कावा कावा, ओ बल्ले बल्ले शावा शावा पियो पियो कावा कावा। अरे भाई पहले गुम हुआ ये वाला फोन, पहले गुम हुआ बाद में हुआ ये, दोनों मिल गए। ओ बल्ले बल्ले शावा शावा पियो पियो कावा कावा, ओ बल्ले बल्ले शावा शावा पियो पियो कावा कावा, ओ बल्ले बल्ले शावा शावा पियो पियो कावा कावा। थैंक यू फ्रेंड्स आज का ब्लॉग देखने के लिए, इसी के साथ गुड बाय गुड बाय गुड बाय।